हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चित अमायरा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम हो रहा है, फ्राइडे है, तो यहाँ पे अमायरा को मैं रेडी करने जा रही हूँ। अर्चित स्कूल चला गया है, तो यहाँ पे इसका डांस हो रहा है। तब तक सुबह में बहुत ज़्यादा मुझे तंग परेशान करती है, और अभी इसका मस्ती चल रहा है, कुछ राइम्स गा रही है ये अपना। तो मैं इसको फटाफट रेडी कर दे रही हूँ, इसका भी स्कूल का टाइम होने वाला है। और बारिश तो पूछिए मत, रुकने का नाम नहीं है, बारिश हो ही रहा है। और मैं अभी आज थोड़ा लेट हो गया आने में, उठने में लेट हो गया है मुझे आज, तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो मैं इसको दुकान में छोड़ के आऊँगी, इसके मेरे हस्बैंड जी इसको छोड़ के आएंगे आज स्कूल। तो इसको स्कूल जाने के बाद मैं अपना सारा काम करूंगी। तो मैं यहाँ पर दुकान से आ गई थी और मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने सारा कपड़ा धोई फटाफट, और मैं कपड़ा धोने के बाद नहाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे नहाने के बाद फ्रेंड्स,
आगे आ गई हूँ और अमायरा का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है। टाइम तो हो गया था, बस 11:47 हो गया था, तो मेरा रेडी होते जाते ज़्यादा टाइम हो जाता, तो मैंने इसके पापा को फ़ोन कर दिया था, तो वो फ्री थे तो वो लेकर आ गए थे दुकान में। तो मैं आप सबको यहाँ पे ये क्रीम दिखा रही हूँ जो ये मैंने खुद से बनाया है प्राइमर की तरह। तो कभी अभी कभी आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सबको इसका DIY दिखाऊँगी। तो मैं फटाफट रेडी हो जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है क्योंकि 12 बज चुके हैं और लंच बनाने के बाद मुझे दुकान भी जाना है। तो लंच में मैं आज बनाऊंगी दाल पीठी, तो आप सबके साथ तो फ्रेंड्स मैं अभी किचन में आ गई हूँ, तो सुबह का नाश्ता बनाने की मेरा ये हाल हुआ था किचन का, तो फटाफट मैं समेट रही हूँ और आपके साथ मैं दाल पीठी का रेसिपी शेयर करूँगी। तो सुबह ही मैंने रहर दाल और चना दाल को भिगो दिया था और सुबह नाश्ते में ही मैंने आटा ज़्यादा गूँथ लिया था, तो वो आटा है। तो मैं दाल में पानी डाल के बिठा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं लहसुन को चॉप करके, टमाटर, एक टू प्याज डालूँगी चॉप करके, और मैं इतना ही डालूँगी, मिर्ची बाद में डालूँगी क्योंकि अमायरा के लिए सादा ही निकालूँगी बिना मिर्ची वाला। तो मैं देखिए यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन को चॉप कर रही हूँ, चॉप करके मैं इसको कुकर में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन को चॉप करके डाल दिया है दाल में और मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी को डाल दूँगी और इसका ढक्कन बंद कर दूँगी तब तक हमारा दाल पकेगा। तो ये उसके बाद ये देखिए मैंने आटा आप सबको बोला था ना सुबह ही मैंने गूँथ के रख दिया था, तो मैं इस आटे को अच्छे से बेल रही हूँ बड़े बड़े लोइया बनाकर। तो इधर कुकर में सीटी भी लग रहा है, इधर मेरा आटा भी बना रही हूँ मैं। तो देखिए बड़ा सा हमें बेलना है और एक ग्लास का हेल्प से हम इसको छोटा छोटा राउंड शेप काट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह बनाएंगे हम, देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है तो चावल ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से बस दोपहर में रोटी प्रेफर करती हूँ खाने का। और ये दाल पीठी बहुत ही पसंद है अर्जित को, तो देखिए मेरा सारा दाल पीठी बन के रेडी है। अब इसको मैं सीटी निकल जाएगा तो दाल में डाल दूँगी। तो देखिए मेरा दाल भी हो चुका है, तब तक मैं इसको पानी में भिगो दे रही हूँ बेलना और बेलना चौकी को।
इसको मैं साइड कर दूंगी। उसे बाद में इसके साथ दाल पीठी के साथ खाने के लिए धनिया पत्ता की चटनी बनाऊंगी। तो सुबह मॉर्निंग में मैं जब अमायरा को छोड़ने गई थी तो ये धनिया पत्ता खरीदी थी। इतना छोटा है और इतना महंगा हो गया है सामान कि क्या बोलना, पूछिए मत। इतना छोटा सा है और 10 रुपया, तो मैं क्या करूँ, ले ही लेती हूँ। तो एक ठो लेकर वही आपको मैं दिखा दे, देखिए इधर मेरा दाल बन चुका है। तो इससे मैं अच्छे से माथूंगी, अलग अलग जो पार्ट है जो मिक्स थोड़ा बहुत हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैं सारा पीठी को इसमें डाल दे रही हूँ और मैं इसको फिर ढक्कन लगा दूंगी पानी डाल के जितना मुझे चाहिए। और मैं इसको जब पक जाएगा तो अमायरा के लिए सादा निकालूंगी बिना मिर्ची वाला, उसके बाद मैं इसको छौंक मारूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलबट्टे पे चटनी पीस ले रही हूँ। तो देखिए बॉईल हो गया, अब इसका मैं ढक्कन लगा दूंगी। तो इधर मेरा ढक्कन लगेगा, सीटी लगेगा, पक जाएगा, तब तक मैं चटनी पीस ले रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को सिलबट्टे का ही चटनी पसंद है। मिक्सर तो है मेरे पास लेकिन सिर्फ मसाला कभी कभार पीसती हूँ मैं, और सिलबट्टे का ही चटनी इनको पसंद आता है। तो देखिए मैं चटनी मेरा पीस चुका है। फ्रेंड्स दाल पीठी मेरा पक गया है, तो मैं इसका छौंक मारने के लिए दाल पीठी में उसकी रेडी कर रही हूँ। तो छौंक देने के लिए मैं जीरा लेऊँगी, तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची दो। तो देखिए सरसों तेल डाला है मैंने कढ़ाई में और जब सीटी निकल गया है, और देखिए जैसा मुझे चाहिए वैसा ही, मतलब सीखने से। तो मैं पहले अमायरा के लिए निकाल ले रही हूँ। चौक देने के लिए तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची और ये लहसुन और जीरा डाल दूंगी। थोड़ा देर ब्राउन होने दूंगी। तो इधर गैस पे मैंने पानी चढ़ाया था, गर्म पानी हम लोग पीते हैं, तो फ्लास्क में मैं डाल दे रही हूँ। तो मेरा चौक फूरन जो है मेरा जल गया है, ठीक का ब्राउन हो गया है, तो इसको मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए चौक मारने के बाद कितना टेस्टी दिख रहा है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स मेरा दाल पीठी बन के हुए तैयार। तो आप सब भी आ जाइए, खाइए और बताइए कैसा हुआ है। तो मैं आप लोग के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इस रेसिपी को घर में प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और कभी बिना मन का भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, कभी खाने का मन ना हो तो। तो इसके साथ मैं चटनी, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ये बन चुका है दाल पीठी। तो फ्रेंड्स मैं, आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तक आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, और मैं अब जा रही हूँ दुकान क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो और बारिश भी शुरू हो गया है, तो आप सबसे मैं मिलती हूँ हस्बैंड वाइफ शॉप में। बाय।